हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है, वो कि ये टॉपिक में क्या है, ये बताया कि नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो लोगों के अंदर कैसे आया और लोग कैसे इकट्ठा हुए, यूनाइट कैसे हुए। तो और इसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखना है, नॉलेज के लिए अच्छा है। जैसे कि भारत माता का फर्स्ट पिक्चर जो है वो किसने बनाया था, वंदे मातरम कौन लिखा, कौन कहाँ गाया गया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, बट देयर आर ऑल्सो अ वेराइटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर एंड सॉन्ग, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बॉल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। तो इसका मतलब क्या है कि जो कलेक्टिवनेस का जो फीलिंग था वो आधा किससे आया, जो स्ट्रगल कर रहे थे उससे आधे लोग के अंदर ये फीलिंग आया। ठीक है, और किससे आया, कुछ कुछ कल्चरल प्रोसेसेस थे, जैसे कि क्या हो गया, जो प्रोसेस कल्चरल प्रोसेस जो थे वो नेशनलिज्म पीपल के इमेजिनेशन में, लोगों के इमेजिनेशन में नेशनलिज्म को डाल रहे थे। ठीक है, तो जो कल्चरल प्रोसेस था उसमें क्या क्या था, जैसे कि हिस्ट्री और फिक्शन हो गया, यानी कि जो पास्ट, इंडिया के पास्ट के बारे में बताना। ठीक है, फिक्शन यानी कि कोई भी कहानी बताना, जो अनटोल्ड कोई कहानी हो। ठीक है, और फोकलोर सॉन्ग, प्रिंट्स, सिंबल्स, ये सब जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे नेशनलिज्म का फीलिंग जगाने में। ठीक है, तो इट वाज इन द 20th सेंचुरी व्हेन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो 20th सेंचुरी में, ठीक है, जैसे ही नेशनलिज्म बढ़ने लगा था लोगों में, तो क्या हुआ था कि इंडिया को लोग एक विजुअली एक इमेज से रिलेट कर रहे थे। इमेज, वो इमेज क्या थी, वो एक विजुअल इमेज था, इमेजिनरी इमेज था। जैसे कि मैरियन और जर्मीनिया का था, वैसे ही एक इमेजिनरी इमेज बनाए हुए थे भारत माता का। तो उससे लोग क्या कर रहे थे, हो रहे थे, यूनाइट हो रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सबसे पहले इन्होंने बनाया था भारत माता का इमेज। ठीक है, इन 1970s ही रोट वंदे मातरम। उन्होंने क्या 1970 में वंदे मातरम लिखा, ठीक है, एज अ हिम टू द मदरलैंड। यानी हिम यानी कि कोई एक धार्मिक गीत, उसको बोलते हैं हिम। तो एक जो वंदे मातरम था वो हिम था एक मदरलैंड के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल। बाद में वो अपने नॉवल में इसको इंक्लूड कर लिए, वंदे मातरम को। उनका नॉवल जो था वो था आनंद मत, ठीक है, एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। तो बंगाल में ये गाया जाने लगा वंदे मातरम, ठीक है, जब वहाँ मूवमेंट होता था स्वदेशी मूवमेंट। अवनींद्र नाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता एज एन एसेटिक फिगर। तो एसेटिक की स्पेलिंग होगी ASCETIC, ठीक है, एस लिखना यहाँ मिस हो गया। तो अब अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे वो पेंट किए, फेमस इमेज बनाए उन्होंने भारत माता का, जो एक एसेटिक के फिगर में था। जैसे एसेटिक यानी कि साध्वी, तपस्वी के टाइप में एक फिगर बनाया है भारत माता का, ठीक है, इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। और आगे जैसे जैसे साल होते गए तो क्या हुआ, भारत माता के अलग अलग डिफरेंट फ़ोटोज़ बनने लगे, अलग अलग जो आर्टिस्ट थे उन्होंने सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ़ोटो बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, और वो प्रिंट होने लगे। इन द लेट 19th सेंचुरी Nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में, कि नेशनलिस्ट जो थे वो रिकॉर्ड करना चालू कर दिए सॉन्ग को, ठीक है, बाय जो कि गाया जाता था किसके द्वारा, बार्ड्स यानी कि पोइट्स के द्वारा जो गाया जाता था उन्होंने रिकॉर्ड करना चालू कर दिए। ठीक है, लोग क्या करना, नेशनलिस्ट जो थे वो विलेजेस में जाना चालू कर दिए, टूर करने लगे और वहाँ जा जा के फोक सॉन्ग कलेक्ट करने लगे, लीजेंड्स यानी कि कहानियाँ,
ठीक है, वो कलेक्ट करने लगे, जो सच भी हो सकती है झूठ भी हो सकती है कहानियाँ, जिससे लोग इंस्पायर हों, जिससे लोग यूनाइट हो। तो बंगाल में क्या थे, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो खुद से जाकर कलेक्ट करते थे बैलेड्स यानी कि पोएम्स, नर्सरी राइम्स यानी कि बच्चों के लिए जो राइम्स होता है वो, और मिथ्स यानी कि क्या क्या मिथ्स हैं, मिथ्स यानी कि जो अनसच बातें झूठी बातें जो फैल फैल जाती हैं वो सब वो कलेक्ट करने लगे। ठीक है, जिससे लोग इंस्पायर हो, जिससे लोगों को एक साथ किया जा सके। ठीक है, ये इनका मेन मोटिव था। तो मद्रास में क्या थे, नतेसा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स द फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया। तो जो मद्रास में नतेसा शास्त्री जो थे उन्होंने एक 4 वॉल्यूम का तमिल फोक टेल्स का कलेक्शन किया, ठीक है, बनाया उन्होंने, जिनका नाम उन्होंने दिया था द फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया। एज अ नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड, जैसे ही नेशनल मूवमेंट डेवलप होने लगा, नेशनलिस्ट लीडर्स जो लीडर थे वो क्या हो गया, बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिम्बॉल्स इन यूनिफाइंग पीपल। तो वो और भी ज़्यादा अवेयर हो गए कि ठीक है, ये जो आइकन्स है, ये जो सिम्बॉल हैं, ये जो भारत माता की फ़ोटो है और जो टेल्स हैं, जो गाने हैं, ये सबसे क्या हो रहे हैं, लोग यूनिफाई हो रहे हैं। तो इससे उन्होंने क्या किया कि ये अवेयर हो गए इससे कि हाँ, ये एक चीज़ है जिससे हम लोग यूनाइट हो सकते हैं। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या हुआ कि बंगाल में एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया, ठीक है, 3 कलर का एक फ्लैग बनाया गया जिसमें थे रेड ग्रीन एंड येलो, ठीक है, और उसमें क्या थे, 8 लोटस थे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि इंडिया के 8 ब्रिटिश जो इंडिया है उसके 8 प्रोविंसेस को, जगहों को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड और एक क्रिसेंट मून यानी कि जो जो दोनों साइड से पॉइंटेड हो, जैसे कि ईद का चांद होता है ना वैसा, है ना, रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम, जो क्या करेगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये फ्लैग वो लोग बनाए थे, ठीक है, तो इसका फोटो भी दिखाऊंगी, ठीक है। बाय 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग। तो 1921 में गांधी जी ने एक और फ्लैग बनाया था जिसका नाम था स्वराज फ्लैग, और वो भी ट्राई कलर था, इसमें था रेड ग्रीन एंड वाइट, ठीक है, उसमें रेड ग्रीन एंड येलो था, इसमें रेड ग्रीन एंड वाइट था, और बीच में एक चरखा था जिसको स्पाइनिंग व्हील कहते हैं, ठीक है, जो रिप्रेजेंट कर रहा था सेल्फ हेल्प, यानी कि अपनी मदद खुद करो, अपना काम खुद करो, है ना। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी इंडियन बिगिन फीलिंग डैट टू इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली। बहुत सारे इंडियन जो थे वो ये सोचने लगे कि अगर लोगों में ये नेशनलिज्म का फीलिंग बनाए रखना है तो इंडिया का जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा अलग तरीके से बताना पड़ेगा, ठीक है। तो दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशियंट टाइम्स व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजियस एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड हैड फ्लॉरिश्ड। तो वो क्या लिखने लगे, वो उस समय की बात लिखने लगे जब आर्ट और आर्किटेक्चर एंशियंट टाइम में इंडिया में, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजियस एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, ये सारी चीज़, क्राफ्ट और ट्रेड, ये सारी चीज़ जब फ्लॉरिश हो रहे थे यानी कि बहुत अच्छे से चल रहे थे, तब की बात वो लोग बताने लगे। और उसके बाद क्या किए, दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज। तो जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनाइज हुआ इंडिया, तब क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, ख़त्म होने लगी। तो ये वो स्टोरी बनाने लगी कि पहले इंडिया इतना अच्छा था, अब ब्रिटिशर लोग के आने के बाद ऐसा हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लोगों में होगी ये फीलिंग आएगा कि हमें अच्छा करना, हमें लड़ना है। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज अ मेजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं, जो रीडर्स हैं, उन लोग में इच्छा जागेगी कि हम इंडिया की, रीडर्स में इच्छा जागेगी कि इंडिया के अचीवमेंट के बारे में बताया जाए और स्ट्रगल के बारे में बताया जाए कि जब दुख का कंडीशन आया, ब्रिटिश रूल्स आया, तब क्या क्या दुख हुआ, दुख का कैसा कैसा कंडीशन आया था, ठीक है। दीज एफर्ट टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, लेकिन ये जो एफर्ट कर रहे थे उसमें भी प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि जो भी इमेज बन रहा था जैसे भारत माता का, वो हिंदू से रिलेटेड था, जो भी गाना बन रहे थे वो भी हिंदू से रिलेटेड था। तो क्या था कि बाकी
कम्युनिटीज़ जो थे वो अलग महसूस कर रहे थे अपने आप को, तो ये प्रॉब्लम हो गया था। ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पिक है, ये भारत माता की पिक है जो उन्होंने बनाया था। एक एसेटिक का फिगर है जिसमें एक तपस्वी के टाइप में रिप्रेजेंट किया गया है भारत माता को। सबसे पहला फ़ोटो जो था यही बना था। उसके बाद ये जो है ट्राइकलर है जो महात्मा गांधी ने बनाया था, बीच में जो स्पाइनिंग व्हील है, और ये है स्वदेशी मूवमेंट बंगाल में जो बनाया गया था फ्लैग, जिसमें एक चांद है और 8 लोटस हैं, ठीक है। ये है नतेसा शास्त्री मद्रास में जो थे, ठीक है, उनकी फ़ोटो। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत माता की फ़ोटो बनाई थी, ठीक है। तो आई होप गाइस समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया सारे टॉपिक्स। तो आई होप आप सबको फॉलो करेंगे और हेल्प होगा आपको बहुत। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।